2020 में WHO ने एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें पाकिस्तान दुनिया का सातवां सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जहां पे ट्रैफिक हादसा होते हैं और 2020 में पाकिस्तान में सिर्फ ट्रैफिक हादसा में 28,170 लोग मारे गए। 28,170 सर बहुत बड़ी तादाद है। उसके मुकाबले में आप दहशत गर्दी को देख लें, उसके मुकाबले में आप किसी भी वबाई अमराज को देख लें, जैसे पिछले दिनों में हमारे ये कोरोना आई हुई थी, इतने अफराद की अमवात वहां पे नहीं हुई, इतने अफराद की अमवात दहशत गर्दी में नहीं होती जितने अफराद की अमवात सड़कों पे हो जाती है। तो हमारे लिए ये एक सोचने वाली बात है, हमारी फिक्री है एक हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो क्या उसे मौत मारने के लिए सड़कों के ऊपर आते हैं? सर किसी चीज को कम करने के लिए, ट्रैफिक हादसा को कम करने के लिए जो है महकमा जो है, हर महकमा जो है, वह ट्रैफिक पुलिस हो, मोटरवे हो, हाईवे हो, वो अपने कुछ ना कुछ कायदे जो है वो इस काम के लिए रखते हैं। तो सर सड़क के ऊपर आने से पहले हमें क्या काम करना चाहिए? अगर हम मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी मोटरसाइकिल के जो साइड व्यू मिरर्स हैं, जो शीशे हैं, जो हम मोटरसाइकिल नहीं लेके आते हैं, आते हुए सबसे पहले जो काम करते हैं वो शीशे उठाते हैं, वो लगे हुए होने चाहिए। वो हमारी पीछे देखने की आंखें होती हैं, उनसे हम देखते हैं, तो आप वो इशारा लगाएं ताकि आपके पीछे जो ट्रैफिक आ रही है उसको पता चल रहा है कि आप सीधा जा रहे हैं, उल्टे हाथ पे जा रहे हैं, सीधे हाथ पे जा रहे हैं, हम लोग वो भी उतार देते हैं, तो खराब होते हम ठीक नहीं करवाते, हमें उनको भी हर हालत में ठीक रखना चाहिए। और हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा हादसा होते हैं वो मोटरसाइकिल सवार के होते हैं, सिर्फ 59% लोग, 59% लोग जो है वो मोटरसाइकिल हैं और 15% लोग रिक्शा ड्राइवर हैं, और उन जो मोटरसाइकिल हैं उनमें से 59% जो है वो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनमें 11 साल से लेके 28 साल के नौजवान उम्र के जो नौजवान हैं वो सबसे ज्यादा रोड हादसा का शिकार हो गए, यानी कि हर लिहाज से वो मेरे जैसे हैं, आप जैसे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं, आपके बच्चों जैसे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि इतने हादसा हो रहे हैं? उसकी वजह है कि हमारे यहाँ तरबियत नहीं है, तरबियत का फुकदान है।